हेलो हेलो एंड वेलकम टू दिवीना डिकोड्स। आज फाइनली वो दिन आ गया जब हम कोलकाता जा रहे हैं। बंगाली में अगर मैं बोलूं तो पोंगोपाल मिले जाती, मतलब हम सब लोग जा रहे हैं। पोंगोपाल पता है आप लोगों को, वो जो खेती में एक कीड़ा होता है जो आके पूरा खेती खा लेता है, पता है उसको पोंगोपाल बोलते हैं, मतलब बंगाली में वो झुंड में आते हैं, तो हम भी झुंड में जा रहे हैं। एक भी इंसान मुझे नहीं लगता घर पे और होंगे। ऑब्वियसली पाब्लो होगा, ये सवाल आप लोग मुझसे पूछने से पहले मैं जवाब देती थी, पाब्लो घर पे ही होगा। और पाब्लो के देखभाल करने के लिए मैं दो जनों को छोड़ के जा रही हूँ, तो पाब्लो का स्पेशल ख्याल घर पे रखा जाएगा। प्लस मैंने घर पे जगह जगह पे कैमरा लगाया, तो पाब्लो को मैं भी देखती रहूंगी। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए, जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि मैं तो रेडी हूँ विथ माई एयरपोर्ट लुक, हाउ एम आई लुकिंग। लेकिन ये दिल्ली से खरीदा हुआ कॉर्ड्स नहीं है, ये मैंने ऑनलाइन खरीदा। यू नो आई एम अ फैन ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। सुबह के अभी टाइम हुआ है, इट्स 5 o'clock, बिकॉज 7:30 के करीबन हमारी फ्लाइट है। हम लोग सब निकलने वाले हैं, बस निकलने ही वाले हैं। लास्ट का जो तामझाम होता है ना, वो सब चल रहा है, मतलब लास्ट में इसको सुसु लग जाती है, लास्ट को उसको पट्टी लग जाती है। तो मैं तो सबसे पहले आज रेडी हो गई। मुझे तो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था कि आप बोल सकते मैं रात भर सोई नहीं, मैं ऑलमोस्ट ऐसे ही उठी और ठक करके रेडी हो गई। वहाँ पे बहुत सारे प्लान्स है, कुछ सीक्रेट है जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं। जैसे कि आपको अगर पता है कि दिविशा का 5th month रनिंग है, जब लियाना का 5th month रनिंग था तो हम लोगों ने लियाना का मुखे भात करा था, राइस ईटिंग सेरेमनी। बंगालियों में लड़कियों के मुखे भात 5th month में या 7th month में करते हैं, 5th month खत्म हो जाने के बाद नहीं। और जिस तरीके से दिविशा बिहेव कर रही है, वो आजकल थोड़ा ऐसे कर रही, इसका मतलब उसका शायद गम खुजली हो रहा है, तो जीभ से बार बार गम को टच कर रही है, शायद दांत निकलने वाला है। और जो मुखे भात है वो दांत निकलने से पहले करते, बाद में नहीं। वैसे मैंने सुना था जब मैं छोटी थी मेरा दांत आ गया था, तो मेरा मुखे भात ही कैंसिल हो गया था। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। ऐसा मैं दिविशा के साथ होने नहीं दूंगी। आई विल एंश्योर कि उसका मुखे भात हो, लेकिन मुखे भात वाला जो ब्लॉग है वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊं, बिकॉज राइट नाउ लियाना कम्स फर्स्ट, बिकॉज उसका बर्थडे है। तो उसका बर्थडे से मैं अटेंशन नहीं हटाऊंगी, ऑब्वियसली मैं सेलिब्रेट करूंगी और बहुत धूमधाम से करूंगी, आज ही करूंगी एक्चुअली। वो मैं व्लॉग आपको बाद में दिखाऊंगी आफ्टर द होल लियाना बर्थडे व्लॉग गेट्स ओवर। और मेरी इतनी अच्छी प्लानिंग है, मैं आपको उसका एक हिस्सा दिखाती हूँ। मैं आमिर को भी लेके जा रही हूँ, तो आमिर को इंट्रोड्यूस करा दूं। वो मेरे सारे व्लॉग्स जो होते हैं वही शूट करते हैं, बिकॉज दो दो बच्चे संभाल के आप ऐसे ऐसे खुद ही पकड़ के जा नहीं सकते हो। फिर भी अक्सर जब मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं खुद ही शूट करती हूँ। कहाँ चला जा रहा है मेरा मुंह नाक, बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि मैं ऐसे ऐसे शूट करके आ जाऊं धुंधली मुंधली। उसके लिए मैं आमिर को लेके जा रही हूँ। आमिर कैसा लग रहा है कलकत्ता जाने के लिए? फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैम, तो एकदम मस्त खुश हो रहा हूँ। इतना खुश है कि आमिर बोलना ही भूल गया, वैसे बहुत बोलता है। तो लियाना और दिविशा का जो भी दोनों सेलिब्रेशन है, कुछ भी आमिर मिस मत करना इस बार, बिकॉज एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि बिना डिस्ट्रैक्टेड होके मैं एकदम मन लगा के फंक्शन में रहूं। मुझे एकदम दिमाग से मैं निकाल दूं कि यू नो मुझे रिकॉर्ड करना है, मुझे इस मोमेंट को रिकॉर्ड करना है। और इस चीज के लिए मैंने तुमको इस पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। मैं बेफिक्र रहूंगी, और मुझे पता है आमिर बहुत अमेजिंग है, बेशरम से है थोड़े, उनको शर्म नहीं कुछ नहीं, किधर भी घुस के सब कुछ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। एक एक मोमेंट कुछ भी मिस नहीं होने वाला। तो गाइस आप लोग देखते रहना दिविना डिकोड, मिस मत करना। दो मैम मैं रिकॉर्डिंग कर दूं। हाँ, जिसका काम उसी को साजे। इतना भारी कैमरा, मेरा हाथ दर्द हो गया। अभी एक सेकंड देखकर आती हूँ सब लोग रेडी हुए कि नहीं, आधा सेकंड। इस बार प्रैम नहीं मिस होना चाहिए। हम लोग जब गोवा गए थे, हम लोगों ने स्ट्रोलर को यहीं पे छोड़ दिया था। अभी हम स्ट्रोलर लेके जाएंगे, एक बॉडी बैग लेके जाएंगे। कुछ दिनों से मैंने बॉडी बैग की खूब प्रैक्टिस करी थी दिविशा को बांध बांध के। ओ माय गॉड, बॉडी बैग तो मेरा यहीं पे रह गया। दिस इज नॉट अ बॉडी बैग, ये एक्चुअली कपड़ा है। दिस इज अ स्ट्रेचेबल बेबी रैप क्लॉथ। दिविशा इसमें काफी कम्फर्टेबल रहती है, जब मुझसे एकदम सटके रहती है ना, मैं इसे अच्छे से बांध देती हूँ। मैंने सोचा ये ट्रेडिशनल मेथड ही यूज
किया जाए इंस्टेड ऑफ दोस फैंसी बॉडी बैग्स, क्योंकि दिविशा अभी भी उस बॉडी बैग में कंफर्टेबल नहीं होती है। बॉडी बैग में लियाना बैठेगी जब उसको हम ट्रोलर में नहीं बिठाएंगे, और दिविशा के लिए यही मैं छोटी सी दिविशा की दिविशा ये मैं अपने पर्स में ही रख लूंगी। टॉकिंग अबाउट गोइंग टू कैलकटा, मुझे इतना पता है लोग ये खबर दे रहे हैं कि कैलकटा में ढेर सारी गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप है। अभी तो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा ही है बिकॉज इट इज 5 o'clock इन द मॉर्निंग, लेकिन जैसे जैसे हम लोग कलकत्ता पहुंचेंगे बाय द टाइम हम लोग एयरपोर्ट से निकलेंगे इट वुड बी 10 o'clock। मींस फटफटी गर्मी, फटफटी धूप। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ दैट वेन एवर यू आर स्टेपिंग आउट और इवन इफ यू आर नॉट स्टेपिंग आउट, इवन इफ यू आर एट होम, प्लीज रिमेम्बर टू वेयर योर सनस्क्रीन, क्योंकि सन अगर घर के अंदर दिख नहीं रहा है दिन में, अगर आपके पर्दे लगे हुए भी है, लेकिन अगर आपको रूम में सब कुछ दिख रहा है विदाउट द लाइट, दैट मींस द रेज ऑफ द सन डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली लाइक यूवीए यूवीबी वो रूम में घुस रहा है एंड दैट इज हार्मफुल फॉर द स्किन। इस स्कॉचिंग धूप से बचाने के लिए एक्वालॉजिका ने लॉन्च किया है उनका नया सनस्क्रीन विच इज कॉल्ड द डीटैन प्लस डीवी सनस्क्रीन विद चेरी टोमेटो एंड हाइलुरोनिक एसिड विद SPF 50 PA plus 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 plus. So इसका जो खासियत है वो मैं बता दूँ, that it protects our skin from sun damage and gives our skin a healthy glow. Hyaluronic acid के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, it gives a good hydration to our skin because जो moisture है उसको हमारी skin में lock कर देता है, बाहर निकलने नहीं देता है. It gives a good protection against UVA, UVB and blue light. तो हमें तो लगाना ही चाहिए, blue light तो हमेशा हमारे मुंह पे रहता है, फोन खोल के हम तो बैठे रहते हैं, सनस्क्रीन इसलिए प्लीज लगा लीजिए। तो मैंने सोचा इतनी हड़बड़ी के बीच में भी मैं ये आप लोगों को बताऊं कि सनस्क्रीन लगाइए। एक्वालॉजिका के जो प्रोडक्ट्स है मुझे अच्छा इसलिए लगता है बिकॉज ऑल द प्रोडक्ट्स आर फॉर्मुलेटेड विद द वाटर लॉक टेक्नोलॉजी, दैट मींस दे लॉक द वाटर और द मॉइस्चर ऑनटू योर स्किन, उसे बाहर जाने नहीं देता है, तो स्किन लंबे टाइम तक यूथफुल रहता है, झुरिया वुरिया नहीं आ जाता है। लगाना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि आप टुंग 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 चार दाना लगा के छोड़ दे, उससे कोई काम नहीं होता है। सनस्क्रीन लगाने के लिए एटलीस्ट भर के दो उंगली में ऐसे एक लाइन बनाइए, चाहे तो तीन उंगली में भी बना सकते हैं, लेकिन दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन दैट यू शुड यूज। उसको फिर अपने फेस में बहुत अच्छे से लगा लीजिए, द लास्ट पार्ट ऑफ स्किन केयर। जैसे आपने देख लिया सनस्क्रीन सिर्फ फेस पे नहीं गले पे भी लगाना चाहिए, क्योंकि गला भी यूजुअली हमारा खुला रहता है, तो जो भी खुला खुला जगह है उसे लगा लीजिएगा। सो वन थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट दिस सनस्क्रीन इज ये कि बहुत ही लाइट वेट है और फेस पे व्हाइट कास्ट नहीं रहता है, मतलब कुछ कुछ सनस्क्रीन लगाने से मुंह एकदम सफेद दिखता है ना, लगता है कि मास्क पहना है, ऐसा नहीं है, दिस इज नाइस। एंड एक्वालॉजिका का जो भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे विथ माई कोड दबीना 2023 विल गेट एन एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। एक्वालॉजिका ओन वेबसाइट एंड द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल हियर। और एक खास बात मैं बताऊं, एक्वालॉजिका सिर्फ हमारी स्किन को पानी नहीं प्रोवाइड करता, हमारे एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनके पास पीने के लिए तक पानी नहीं है। एक्वालॉजिका ने ये मिशन लिया है कि वो उन सोसाइटी को भी पीने का फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे। जैसे जैसे आप खरीदेंगे आपके खरीदने से एक हिस्सा वो इस काम में यूज करेंगे, तो इनडायरेक्टली एक्वालॉजिका का प्रोडक्ट खरीदने से कुछ ना कुछ सेवा भी हो जाता है, सो दैट्स आल्सो अमेजिंग। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, मेरा सनस्क्रीन लग गया है, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लूँ। बिना लिपस्टिक से तो बंगाली नहीं लगती है, मुझे लगता है कि मैं नॉन बंगाली हूँ। एक्सक्यूज माई पीजेज, जय माता दी, जय माता दी, कलकत्ता वी आर कमिंग। लियाना आर यू एक्साइटेड? जय हनुमान, जय सीताराम। ये क्या सर, मेरे कैमरे का लेंस ले लिया आपने? लेंस भी ले लिया और लेंस के अंदर मैंने कॉफी डाल दिया तेरे। ये क्या है? फोकस रखना तू, फोकस। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा शहर में जा रहे हैं हम लोग लियाना अवार्ड से मनाने के लिए, सबको मिलेंगे, सब जितना मेरा रिलेटिव है, मेरा भाई बहन, अच्छा तो लगेगा। गुरु के गाड़ी का छत में प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग इस गाड़ी में जा रहे हैं। तो आगे वाली ये जो गाड़ी देख रहे हैं इसमें देबीना एंड दोनों किड्स हैं, और मैंने बोल दिया कि गाड़ी इसके पीछे पीछे जाएगी, और एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए और वहां से हम कलकत्ता पहुंचेंगे। वी आर सुपर सुपर एक्साइटेड, खासकर मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि कलकत्ता मुझे बहुत बहुत पसंद है, और इस बार तो काफी स्पेशल है, इस बार लियाना का बर्थडे है, और कलकत्ता में बहुत कुछ देखने को मिलता है, मुझे खाने को मिलता है, और एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत चीट कर लेता हूँ, रसगुल्ला मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ना खाऊं, तो लेकिन शुगर फ्री रसगुल्ला जरूर वहाँ पे खाऊंगा। लेट्स सी कि कितना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ।
पहुंच गई। ये जो तेरी पायल की छन छन है। बाय बाय मुंबई, सी यू कैलकटा। इधर भी तुमको कबूतर दिख रहा है। वैसे हम दो हिस्से में बट चुके हैं। कुछ लोग एक अलग एयरलाइंस में जा रहे हैं और हम कुछ लोग एक अलग एयरलाइंस में जा रहे हैं। एक ही एयरलाइंस में इतने सारे टिकट नहीं मिले। मतलब मैंने बोला था ना, हम पंगोपाल लेके जा रहे हैं, हम आधे आधे हिस्से में हैं और दोनों ही फ्लाइट आधे घंटे के डिफरेंस में है, तो हम लोग ऑलमोस्ट सेम टाइम में कलकत्ता पहुँच जाएंगे। दिविशा सोते सोते पहुँच जाती है, उसको तो पता ही नहीं चलता कैसे ट्रैवल होता है और ये पूरा आनंद लेते हुए जाते हैं। मेरे दोनों बच्चे दोनों अलग अलग है। कभी बेसिकली बच्चों को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि बच्चे ऐसे ट्रैवल करते हैं या बच्चे वैसे ट्रैवल करते हैं। बच्चे कैसे भी ट्रैवल करते हैं। वहाँ पे एक बच्चा बाजू में इतना रोया करने लगी। आज मैं एक प्रचंड कोशिश करने जा रही हूँ, पता नहीं होता है कि नहीं। इसमें मैं इसको बांधने जा रही हूँ, अगर ये नहीं बैठी तो मैं उसमें उसको बिठा लूंगी, कुछ तो करूँगी। तो आमिर मेरा शूटिंग करते करते इतना बिजी था घर पे कि अपना लाइट भूल गया। अभी मैंने इसको बांध लिया। वैसे मैं बांधना इसको चाहती थी लेकिन बांध इसको लिया। मेरी छोटी सी छोटी छोटी सी बीबी को अगर मैं घर पे भूल के आ जाती अभी तक तो जाने स्मूथ है। तो रिया ने हद करके वाओ, जो कि वो रेयरली करती है क्योंकि बाकी टाइम में गुंडा में करने में बिजी होती है। गुंडा करती है, कुंटी है ना मेरी, कुंटी। गुरु को हमेशा कोई ना कोई मिल ही जाते हैं, तो आज उनको दोस्त मिल गए। वेलकम बैक टू कोलकाता। पिकाबू। मैं लैंड कर चुकी हूँ मेरे देश की धरती। हम सब पहुंच गए। मैं तो लियाना को एंटरटेन करने में बिजी थी, मैं तो गर्दन घुमाने का भी टाइम नहीं था। आज मैं खुली बनाऊं, मैं आ गई पहली बार मेरे घर में। आई हूं नई पिनुड़ी एंड नीनुड़ी। इस बार गलती नहीं करूंगी। जल्दी जल्दी चले जाने के चक्कर में मैं चली जाऊंगी, गुरमीत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गोवा जैसे एक बैंक छोड़ के चले जाएगा। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। फोन तो क्लिक करके रखा है क्योंकि 8 बैग्स हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखो मैच कर लेंगे। एक आ गया, दो मैडम दूसरे को भी बैग लेके चली जाती है। मैंने ना एक बड़ी सी फैंसी गाड़ी बुक की थी और आई क्या है छोटी सी पर्स। तो मैंने कहा था ना पंगोपाल आए हैं, ये देखो ये सब अपने लोग हैं, सब अपने लोग हैं।
देखो लोग भैया पूरा गांव आ चुका है कलकत्ता जो सेलिब्रेशन करने के लिए। ये देखो बेबी फुल पूरी है। शुरू हो गया मम्मी का झगड़ा का होने के बाद देखो साथ ही उठ के बैठ गई, हंगामा मचा रही थी साइड से। आज लियाना ने चिल्लाया नहीं, मैंने उसको एंटरटेन करके रखा था, वो चुप। दो लोग ऊपर भी बिठा देंगे आप, जो फिल्मों में देखते हो गाँव में देखते हो ना, हम लोग सड़क के ऊपर भी लोग बैठ जाते हैं बस के ऊपर। देखो अनजाने में मैंने डिस्को लाइट बुक किया है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वांट टू बी विद यू। तुम्हारा तबला चुटु उठे बोल। बंगाली लोग होते हैं ऐसे। तो फाइनली हम लोग ऐसे बैठे हैं, वो शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होता है ना, हम वैसे आए हैं। हमारा लगेज तो देखिए, जितना इंसान नहीं है उससे लाखों गुना लगेज है। लगेज। दोनों बच्चों को दो सूटकेस और दोनों मियां बीबी को भी दो सूटकेस, हम लोगों का सब छोटा छोटा एक एक सूटकेस। पिनो, यू आर इन कोलकाता फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नो पिनो। मम्मी को भी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा कि आर यू एक्साइटेड, मम्मी इतना एक घंटा सोच के बोली थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसका कारण पर यहाँ पे बोला था 13 लोग बैठ नहीं सकते। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ड्राइवर को मिला के 13 और जो है ना कोई आदमी अगर अच्छा स्टूल भी है ना मैम, इधर बिठाएंगे, इधर इधर ये देखो मुझे लगा डेकोरेटर है। अच्छा रोड पे कहीं पे बैठ के स्टूल लगा के चाय वाय भी पी सकते हैं ना। होता है थाके ना अपनी, हम दमदम कैंटर में रहता है। दमदम कैंटर में कच्चा कच्ची। अपना नाम की? इंद्रजीत मंडल। वो मैं आ गई कैमरा के पास आप लोगों से बात करने के लिए। नहीं, बात करने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है, फिलहाल ये है कि आज हम लोग पहुंचेंगे हमारे विला में। वहाँ पे ऑलरेडी गुरमीत के मम्मी पापा पहुंच चुके हैं, जिनका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। जाते ही आप लोग गाना, मतलब मिलते ही आप लोग गाना गाएंगे कैमरा, मतलब फोन पे। गाना जरूर हाँ, क्योंकि बहुत इंतजार किया आप लोगों ने। तो आज एक्चुअली प्रैक्टिकली गुरमीत के मम्मी पापा दिविशा को फर्स्ट टाइम मिलेंगे, सो दैट्स लाइक अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी। और गुरमीत मेरे पापा और जीविता चले गए हैं वेन्यू पे, जहाँ पे हमारा कल का लियाना का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, वो सब कुछ देखने के लिए। सो दैट्स ऑल्सो एक्साइटिंग। तो वो लोग होटल, मतलब वो जगह वेन्यू देख के आएंगे, और हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं, वहाँ पे जाके हम लोग सेटल होंगे। फिर हम करेंगे दिविशा को रेडी, फिर मैं होंगी रेडी, और सब लोग होंगे रेडी, और फिर मेरे सारे भाई लोग आएंगे, और एक भाई तो यहाँ पे है, बाकी सारे भाई भी आएंगे। और दिविशा सबके गोदी में बैठे बैठे थोड़ा 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 खाना खाके उसका होगा राइस सेरेमनी सेलिब्रेशन। तो आई एम सुपर एक्साइटेड, मतलब शायद अगर मुझे बोले कि मेरी लाइफ में सबसे खुशी का दिन कौन सा होगा, मैं नहीं बोलूँगी कि जिस दिन मुझे एक अवार्ड मिला था या जिस दिन मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला था, मैं बोलूँगी आज खुशी का दिन है। मेरे सास ससुर फर्स्ट टाइम मेरे बच्चे को मिलेंगे, मेरे सारे भाई के गोदी में बैठ के दिविशा फर्स्ट टाइम खाना खाएगी, और लियाना का फर्स्ट बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विद ऑल माई रिलेटिव्स। सो आई एम सो एक्साइटेड। कलकत्ता में भी इलेक्ट्रिक बस भी आ गया है, देखो
जिस टाइम पे मैं कलकत्ता में रहती थी वहाँ पे वो सिल्वर कलर का बस होता था जहाँ पे कंडक्टर आधा बस से बाहर लटक के ऐसे धक 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 पीट के बोलते थे चलो 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 ऐसा था बुलाते थे आजा 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 धक 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 धक। अभी तो सारे बसेस के कलर्स वलर्स भी अलग हो गया, शहर का कलर भी अलग हो गया, ब्लू ब्लू, देयर सो मच लेस ट्रैफिक। वाओ, आई काइंड ऑफ लाइक कलकत्ता नाउ। पहचान रही है तो मम्मी भी बहुत खुश हो रही है। नहीं नहीं करते करते मम्मी को भी कितने साल हो गए बॉम्बे शिफ्ट होके? 15 साल। 15 साल मम्मी को भी हो गए। तो जा माला का भी टाई नहीं है चले माला और आलता और टीप 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 ठीक है। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स होते हैं बहुत ही कम है, 2 या 3 उंगली से गिनते। तो मैंने उसको बोल दिया कि प्लीज माला लेकर आओ, क्योंकि मैंने जीविता को बोला तो है पर मुझे ऐसा लग रहा है वो भूल गई, क्योंकि उसने कल रात को तो कुछ जिक्र नहीं किया। और बिंदी भी लाना भूल गए और आलता भी लाना भूल गए, तो उसको सजाएंगे दुल्हन जैसे, तो इसलिए ये सब कुछ ज़रूरत है। मेरा फ्रेंड है वो लेकर आ जाएगा, तो आज एक बार पहुंचने दीजिए फिर मैं सबसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ और इस ब्लॉग को तब ख़त्म करूँगी। और अभी तक आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थ्रू देवेन्ना डीकोस। पहुँचती हूँ फिर सबसे मिलाती हूँ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कलकत्ता की खुशबू अच्छी लग रही है। तो ये है विला जहाँ पे हम रुकेंगे। सर के हेलो, हम आ गए हैं। इनको समझ रहा था इतने बड़े हो गए। अब मैं तो इन्हीं को समझ के लिया था। मैं तो समझ समझ दिविशा बहुत हंसती है, दिविशा बहुत हंसती है, हंस मुख दिए। अरे अरे चलो नहीं पहचाना है, पहचाना नहीं आपको। तुम छोटी छोटी दिन में तो आप यही पे भी बैठो, उसका डिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है क्या? दिन में मैं यहाँ बैठूंगी कि दिन भर इधर ही आप खोद के बैठ जाओगे क्या अपने आप को स्टिकर मार के? कंट्रोल कंट्रोल। मैं ये ऐसे पहन के आ रही थी, मम्मी ने अचानक बोला अंदर ये टी शर्ट पहन, अच्छा होगा वहाँ पे जाते ये उतार देना तो कंफर्टेबल होगी, तो मुझे अंदर ये टी शर्ट पहना दिया। मैं पहन के आ गई, एयरपोर्ट पहुँच के मैंने बोला ये भगवान मुझे तो फ्लाइट में दिविशा को दूध भी लाना होता है, अंदर से टी शर्ट क्यों पहना दिया?
और मैं मम्मी की बात सुन भी लेती हूँ और फिर मुझे ऐसा लगता है ये क्या कर दिया, कंफ्यूज कर देती है। देखो अभी चले जा रही हूँ। अब सुमाए अभी मेरी माँ बन गई है। अरे हाँ, मत जाओ, बाएं मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत चलो, ये कपड़ा मत पहनो, वो कपड़ा पहनो, बाप रे, मैं पागल हो जाऊंगी।